तो वही रीट परीक्षा को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसे लेकर विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर से यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। बेरोजगार महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष डीपी जारोली को गिरफ्तारी की मांग के साथ ही रीट परीक्षा का डाटा सार्वजनिक करने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष और शिष्टमंडल ने प्रदर्शन के बाद बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी से मुलाकात की और अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है। इस अवसर पर उपेन्द्र यादव ने कहा है कि रीट परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं उससे प्रदेश भर का बेरोजगार परेशान है। उपेन्द्र यादव ने कहा है कि रीट परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के 135 से अधिक मार्क्स आने की सूचनाएं मिल रही हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। उपेन्द्र यादव ने सरकार से मांग की है कि वह अपनी हर धरना को छोड़कर युवा बेरोजगारों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लें और इस परीक्षा की सीबीआई जांच कराएं। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के 135 से ज्यादा नंबर है और भर्ती मात्र 32,000 की है, तो डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, वेबसाइट पे डालना चाहिए लेवल फर्स्ट और सेकंड का, जिससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो चिंता है वो दूर हो सके। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि यदि हमारे 135-35 नंबर भी आएगा, 135 से ज्यादा वाले 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो लेवल 2 का और फर्स्ट का डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, डीपी जारीली को पकड़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए संरक्षण किससे उनको प्राप्त है, कौन से राजनेता इसमें शामिल है। इसके अलावा रीट की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। तो रीड